गर्मा गर्म अगर आपको कचौड़ी खाने का मन करे और मैदा नहीं खानी है, तो ये आज हम आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखा रहे हैं जो हेल्दी तो है ही। सूजी की कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है, कुरकुरी बनती है और आपको मज़ा आ जाएगा चाय या ब्रेकफास्ट में उसको खाने में या नाश्ते में, इवनिंग स्नैक्स में। तो आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विजय हल्दिया जी के संग, मेरी मॉम एंड द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का, और आज हम दिखा रहे हैं सूजी की कचौड़ी। सूजी की कचौड़ी बहुत हेल्दी, मतलब मैदा इसमें मैदा और बिल्कुल फ्लर नहीं है, सूजी से बनी हुई है और टेस्टी और क्रिस्पी भी बनती है एकदम एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का फॉलो करना मत भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इधर ये सूजी, जैसे हमने एक बाउल लिया तो इसमें दो बाउल पानी लेंगे हम, तो 1:2 का रेशियो है ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट डालिए। ये ब्लैक पेपर पाउडर है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें वेजिटेबल ऑयल। अभी पानी गर्म होने पर हम सूजी डाल देंगे, सूजी डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, हम सूजी डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से, ये देखिए मिक्स हो रही है और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी जब ठीक हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है ये पैन अपना मसाला। और ये कौन सी फ्लेम पे आप कर रहे हैं? ये मैं मीडियम फ्लेम पर, ये हो गया अपना डो तैयार हो गया बिल्कुल। तो सूजी की कचौड़ी का डो रेडी है, ये इकट्ठा हो जाए आप जैसे, ये देखिए आप डो को ठंडा करेंगे थोड़ा सा, जब हल्का सा गर्म रहेगा तभी हम कचौड़ी बनाएंगे, एकदम ठंडा करके भी नहीं बनाएंगे। और जब तक ये डो ठंडा होता है हमारा, हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं इसकी। ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके पील करके और मैश कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए, ये ब्लैक सॉल्ट, ये रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, ये ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली और जिंजर है 1/2 इंच जिंजर का टुकड़ा है, ग्रीन चिली है वो डाल रही हूँ मैं, और ये धनिया पत्ती है और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, कैरम सीड्स, पिंच ऑफ हींग। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा आप मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं यदि आप खाते हैं तो, अमचूर। ये देखिए अब इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है कचौड़ी की एकदम। तो देखिए अब हमारा सूजी का जो आटा लगाया है वो ठंडा हो चुका है, थोड़ा हल्का सा गर्म रहे तभी अपने को इसकी कचौड़ी बनानी है। ये देखिए आप इसको थोड़ा सा प्लेन कर लीजिए, इसको डो को ऐसे थोड़ा सा मसल के थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लीजिए आप, ताकि हाथ पे चिपकेगा नहीं अपना डो। मैं थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसमें, और जिस भी साइज की आपको बनानी हो छोटी बड़ी उस साइज की आप ले लीजिए। मैं स्टफिंग, ये आलू की जो स्टफिंग बनाई थी हमने वो मैं इसमें रख रही हूँ, और इसको धीरे धीरे ऐसे बंद करिए आप इसको, और हल्का सा गर्म रहे तभी बनानी है, अगर वही बिल्कुल ठंडा करेंगे तो सूजी अपनी फटेगी, बनेगी नहीं फिर कचौड़ी। अब हाथ से प्रेस कर दिया उसको, ये देखिए ऐसे राउंड कर दीजिए, ये बन गई हमारी। और अब हमने यहाँ पे तेल गरम करा है, कोई सा भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, हाँ कोई सा भी, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए एकदम। ये देखिए हो गया, ये ऊपर आ गया है इसकी, ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो अपन जो भी डालेंगे इसमें तो ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसमें ये कचौड़ी जो बनाई थी हमने वो डाल रही हूँ मैं। देखिए जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं करते, कोई रीशूट नहीं करते, जैसा है आपके सामने दिख रहा है आपकी किचन में भी ऐसा ही बनेगा, ये गारंटी है हमारी। मम्मी कौन सी फ्लेम पे सेकना है हमें? अब मैंने इसको मीडियम कर दिया है। अच्छा मीडियम टू लो, क्यों अब धीरे धीरे सीखेगी कचौड़ी तो अच्छी लगेगी अपने को। अच्छे से इसको स्लो गैस पे सेकिए ताकि ये क्रिस्पी कुरकुरी हो जाएगी। मीडियम टू स्लो, मीडियम टू स्लो में हाँ। और मॉम इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा राइट? हाँ कचौड़ी तो जितनी अच्छी सीखेगी उतनी ज्यादा कुरकुरी बनेगी, खाने में टेस्टी लगेगी, हाँ टेस्टी होगी तो, और मजा भी आएगा चाय के संग फिर उसको खाने में। सूजी की कचौड़ी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं,
अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जायका का तड़का फॉलो करना मत भूलिएगा। तो देखिए कितनी कुरकुरी सूजी कचौड़ी सिकी है हमारी, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में इसको पलटते रहिएगा स्लो से मीडियम गैस पे, तो अच्छा बाजार जैसा टेक्सचर आया है एकदम, और मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए कोई कहेगा नहीं कि ये सूजी की कचौड़ी है। हाँ, आप इस कचौड़ी को खाएंगे तो मैदा की कचौड़ी भूल जाएंगे। मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अच्छा, मैं ये दो ग्रीन चिली और फ्राई कर रही हूँ, कचौड़ी के साथ अच्छी लगती है कचौड़ी और पकौड़े थोड़े सा। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ये। देखिए अब गैस भी बंद कर दी है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। कितनी बढ़िया है, कितनी क्रिस्पी है एकदम। वाओ, धुआं निकल रहा है गर्मा गर्म कचौड़ी का, मुंह में पानी ला देने वाली कचौड़ी। अब ये ग्रीन चिल्ली साथ में सर्व कर देंगे हम, और इसके संग अदरक की चाय बना लीजिए, और कितनी सुंदर और शानदार लगेगी कचौड़ी आपके सामने है विद दिस लवली मॉम हेयर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है, जायका का तड़का में गारंटी। सूजी की कचौड़ी भी आपकी ऐसी ही बनेगी, ये हमारी गारंटी है। खाइए और एंजॉय करिए इसको। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।